वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू क्योंकि मेरे 30,000 यानी कि 30K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो गाइस तहे दिल से वापस एक बार शुक्रिया। अभी 50,000 का इंतजार है, 50K का हो गया। शुक्रिया। खुशी के मौके पे अब मैंने लाए है क्या मैं समोसे चूड़े ये सभी रहता है, ये सभी लाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोले कि चला आज अपन समोसे बनाएंगे। हाँ, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। समोसा आलू समोसा नहीं बनाते क्या आंटी आप? और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे गाइस वो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक जरूर करिए। थैंक यू। सबसे पहले लगेंगे हमें आलू, मैदा, बटाने, अजवाइन, कोथमीर, दरदरा कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्ची, घी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, राई, जीरा, तेल, नमक। तो अभी मैं सबसे पहला स्टार्ट करने वाली हूँ आटे से। समोसे की पट्टी तैयार करने के लिए आटा गूंदेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 कप आटा ली हूँ, 200 ग्राम आटा है ये मैदे का। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, जितना आप लोगों को चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से नमक डालते। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा अजवाइन, डाल दिया अजवाइन। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा घी। घी डालने से अच्छा खस्ता खस्ता बनते हैं समोसे, मस्त। घी डालने का, हाँ ये मैं बना रही हूँ जैसा होटलों में आप लोग समोसे खरीद के खाते ना, बस वैसे ही समझ जाओ मैं वैसे ही बना रही हूँ। लोकल, एकदम लोकल, जैसा आप लेके आते हैं होटल से समोसे लाके खरीद के खाते ना, बस वही काम कर रही हूँ मैं। इसको कोई पट्टी सजावट की ये वो सब नहीं करते बैठूँगी। अब इसको अच्छे से मिला देंगे हम, जब तक इसमें पानी नहीं डालेंगे, जब तक हम इसमें एकदम सॉफ्ट पूरा अजवाइन, नमक, घी ये पूरा इसमें मिल ना जाए, जब तक इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखो मेरा आटा मिल गया। अब बताऊँ मैं आपको, इसको ऐसा लेने का हाथ में और ऐसा मुट्ठी बनाने का, अगर आटा जम गया ना तो समझने का हमारा मिश्रण अच्छे से परफेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और ये आटा एकदम नरम नहीं गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमको ये आटा एकदम सख्त गूंदना है। जैसा होटलों में एकदम कड़क रहता है, देखते ना पहलवान लोग बैठे रहते हैं, वहाँ लेडीज नहीं रहती है, अम्मा। जितना आटा सख्त रहेगा ना अच्छा, उतना समोसे की पट्टी इजीली बनेगी भी और आपको ज्वाइन करने में भी अच्छा रहेगा। बड़े ध्यान से गूंदना, देख लो अच्छे से, नहीं तो बोलेंगे आंटी पट्टी में बनाते तो अच्छा रहता था, आटा क्यों गूंद के बताए, हम लोग से तो बन रही नहीं। लेकिन बनेगी बेटा, कोशिश करो सब बनेगी। तो देखो हो गया ना मेरा आटा मस्त तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे थोड़ा देर। तो मैं ये डब्बे में रख दिया, आप इसमें भी रख सकते हैं कपड़ा ढक के, लेकिन अभी मैं ज़रा इसके अंदर की फीलिंग बनाए तक इसको अच्छे से इसमें पैक कर दे। अब हम अंदर के मसाले तैयार करें तक ये ऐसा ही रहेगा। तो अभी मैंने पैन रख दी हूँ गैस पे, अभी समोसे के अंदर के फिलिंग तैयार करेंगे हम। चलो अब इसमें ना सिर्फ ज़रा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। क्यों मालूम मैं बोल रही हूँ ज़रा सा? क्योंकि फिलिंग के अंदर अगर ज़्यादा सा ज़्यादा तेल डाल देंगे ना तो वो चिपचिपी हो जाती है, और अपने को कैसा एकदम खुश्क चाहिए अंदर की फिलिंग। तो अभी हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें राई, हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हम डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता, डालेंगे थोड़ी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने 4 डाली है, आपको जितना डालना हो आप उतना डालिए। फिर हम इसमें डालेंगे हरे बटाने,
तो अभी मैंने देखो ये बटाने भून लिए, अभी इसमें डालेंगे हम आलू। ये आलू कम से कम होंगे पाव किलो, जो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए हूँ, दो बड़े आलू थे। आप लोग इसमें कांदा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने कांदा नहीं डाली। मैंने क्यों कांदा नहीं डाली, कांदा भी अपना पानी छोड़ता है और हमको यहाँ पे चिपचिपा पे मसाला नहीं चाहिए, हमको एकदम सूखा मसाला चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने कांदा नहीं डाली। कांदा डालने से ना मसाला थोड़ा सा हल्का सा ना गीला हो जाता है और यह जितना फिलिंग अगर सख्त और सूखा रहेगा ना तो फिलिंग भरने में बहुत ईजी रहता है। और इसमें मैं लाल मिर्ची भी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने हरी मिर्चियाँ ही 4-5 डाल दी हूँ काट के, तो इसके लिए मैं लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं अपना काली मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ डाली हूँ और एक चम्मच ये कूटा हुआ धनिया जीरा में दरदरा सा पीसी हुई थी वो डालूँगी। कोथमीर डालूँगी, अब इसको अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी और एक चम्मच नमक डालें। मैं तो बोलेंगे आंटी ने सब डाले, नमक कहाँ डाले, नमक तो डाले नहीं। डाल रही बेटा डाल रही हूँ, नमक के बगैर कैसे बनेंगे समोसे, ठीक है। मैंने डाल दी नमक, अब हम सब मिक्स कर लेंगे आराम से। तो देखो मेरे हो गए ना, मेरी फिलिंग तैयार हो गई है, अभी आराम से हम गैस बंद कर देंगे। इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करी मैंने, बहुत सारी चीज़ें डालते डालने वाले, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, मैं सब वो नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इतना ही सिंपल बनाऊंगी, सिर्फ हरी मिर्ची और काली मिर्ची वगैरह में, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में। अब इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए, जब ये ठंडा होगा तभी फिलिंग भरना, जब तक मत बनाना। अगर ये गरम गरम में बनाने जाएंगे आपके समोसे टूट जाएंगे, इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो देखो हमारा मसाला अभी ठंडा हो गया एकदम, है ना, एकदम मस्त ठंडा हो गया। अब इसको हम रखते हैं साइड में, अब हम निकालते हैं हमारे आटे को। तो अभी हमारा आटे को हमने रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। आटा भी अच्छा एक दूसरे को सॉफ्ट कर लिया है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे रोटी बनाने वाला आटा जैसा रहता है नरम वैसा नहीं रहता है, ये थोड़ा सख्त रहता है, इसमें थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है, तभी जाके समोसे मस्त बनते हैं, है ना। हाँ तो अभी हम पेड़े बना लेंगे इससे। तो देखो मेरे पेड़े बन गए, पेड़े ये साइज के लेंगे तो एक एक पेड़े में 2-2 समोसे बन जाएंगे, है ना। तो अभी मैं शुरू करती हूँ बेलना, ठीक है। देखो मेरा पूरा टेबल हिल रहा है, हाँ आप लोग देखते हैं ना मेरा किचन कैसा है, मालूम है ना आप लोगों को मैं किस पे बना रही हूँ। तो ये मेरा पूरा का पूरा टेबल मेरा डांस कर रहा है। हाँ ये देखो सख्त आटा है ना, कितने धीमे धीमे, मैं इसमें खुश्की भी नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बिना खुश्की के मुझे बेलना है, कुछ नहीं लगेगा इसमें, ये सिर्फ अपने जोर पे ही ये बेला जाएगा, इसमें ना आटा लगेगा ना कुछ। हाँ लगाना है, एक चुटकी भर तेल लगा सकते हैं। देखो इतनी बड़ी रोटी में बेली हूँ, अगर आप लोगों को छोटे समोसे चाहिए तो आप लोग छोटा बेल सकते हैं, मुझे बड़े बड़े चाहिए तो मैंने ये इतना बड़ा बेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट कर लेंगे, कट कर लिए, ये हमारी शीट तैयार हो गई, ठीक है। अब इसको पानी लगा देंगे हल्का सा इधर,
इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इसका नोक दबाएंगे ठीक है, ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं आए। ये नोक दबा दिए अच्छे से, अब ये पकड़िए इसको ठीक है। अब ये तैयार हो गया हमारा समोसा डालने के लिए रेडी ठीक है। तो अब मैं डालूंगी इसमें हमारे आलू की भाजी बोलो, जो मटर आलू मटर बोलो जो बोलो ठीक है। फिलिंग भी इतना ही भरना जो आपका फिलिंग बाहर ना आ सके, तेल पूरा खराब ना हो, सोच समझ के भरना जितना आपका जा सकता है अंदर ठीक है। अब ये बीच का हिस्सा पकड़ लेना इधर जहां से हमने ज्वाइंट मारे, बस इस पे ध्यान देना, इस पे पानी लगा दिए अच्छे से कोने पे, ये भी कोनों पे, ये कोना हमारा, इसको मिला देंगे। कितना इजी तरीके से, कुछ इसमें लफड़ा करने की जरूरत नहीं आपको, आपका समोसा एकदम, ना पट्टी लाने की जरूरत है ना कुछ लाने की जरूरत है, बस दबाने की अच्छे से जरूरत है। अब हमारा ये समोसा हो गया रेडी। तो देखो हो गए ना मेरे समोसे रेडी, पूरी फिलिंग विलिंग मैं बस भर दी हूँ और समोसे भी मेरे रेडी हैं। क्या अजवाइन दिख रहे हैं ना उसके ऊपर एक एक मस्त। हाँ ये अजवाइन डालने का मतलब बताऊँ आप लोगों को, अजवाइन समोसे में इसलिए डालते हैं कि आलू किसी किसी को हजम नहीं होते ज़्यादा, तो हाजमे के लिए अजवाइन डालते हैं, उसमें टेस्ट के साथ साथ हाजमा भी सही लगता है, इसके लिए अजवाइन डालने का कभी भी समोसे में। और साथ ही साथ मैं ये बनाते बनाते मेरा तेल भी गर्म कर रही थी मैं, तो मेरा तेल हो गया रेडी। अब हम डालते हैं इसमें समोसे, बिस्मिल्लाह। बड़े आराम से डालना पड़ता है मुझे इसमें, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें, चार डालूंगी, एक छोटा है इसमें जगह हो जाएगी। तो अभी हम उसको अच्छे से ब्राउन कलर का करेंगे, एकदम क्रिस्पी होना चाहिए ना, तो अभी इसको एक मिनट तक पकने देंगे, इसको हिलाएंगे नहीं अभी। तो हमारे समोसे के कलर चेंज हो गए हैं, तो अभी हम इसको करेंगे आराम से पलटी, एक 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 करके आराम से इसको पलटी करेंगे ठीक है। एक मिनट और पका लेंगे इधर से भी, तो देखो मेरे अच्छे हो गए ना, ब्राउन ब्राउन हो गए मेरे समोसे, बस अब इसको काले नहीं करना हमें। हम इसको भी निकाल लेंगे इसके साथ। चारों समोसे क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे मेरे रेडी हो गए, वाओ देख रहे हैं आप लोग। तो अभी इसी तरह से मैं मेरे दूसरे समोसे भी तलने के लिए छोड़ दें। तो देखो अभी मेरे ये बचे हुए भी समोसे तैयार हो गए, अब हमने गैस बंद कर दिए, हमारे समोसे हो गए रेडी। माशाल्लाह। तो A1 के समोसे रेडी हो गए, पाँच का एक दस का तीन यार देखे समोसा मैंने कैसे बनाया, बहुत डिमांड थी लोगों की कि समोसा दिखाओ, बट चिकन में नहीं दिखाया मैंने, जो कि रेगुलर बेसिस पर रोडों पे मतलब दुकानों में रहता है आलू के समोसे, तो वो समोसा मैंने बनाया। मेरे को फरमाइश आलू के समोसे की आ रही थी ना यार, क्या मस्त शेप के साथ, मेरे को क्या ना बनाने के थे कुछ और, लेकिन अभी डिमांड पे मैंने ये बनाई क्योंकि डिमांड बहुत आ रही थी, आलू के समोसे बनाओ आलू के समोसे बताओ आलू, तो मैं बोली चलो आज आलू के ही समोसे बता देते, मस्त बनाया ना, लेकिन अभी चलो हमें गरम रहेगा आलू और अम्मी ने ना इसमें वटाना भी ऐड किया है, जो कि पहले वटाना वगैरह भी सब डाल के मिलते थे आलू में, बट अभी के डब्बे सिर्फ आलू रहते ऐसे बस बन के तुम्हारे समोसे, लेकिन आज अम्मी ने एकदम मस्त बना ले। बिस्मिल्लाह खाना था, बिस्मिल्लाह।
मुझे ऊपर की जितनी पापड़ी है ना मजा आता है। क्रिस्पी क्रिस्पी कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ समोसे के नहीं जो ऊपर की पापड़ी खाने के लिए भी समोसा खाते हैं। हाँ, जैसे हमारी उज्मा उसको समोसा लाके देंगे ना दुआ नहीं कर रहा तो वो क्या करती है ऐसा दो ना नानी ऐसा दो ना कोने का तोड़ती है और खाती है बोलती मस्त है। टमाटो केचप के साथ एक नंबर लगता है पता है। आओ खाने टमाटो केचप हो गया पुदीने की चटनी हो गया मस्त बना सीरियसली बहुत अच्छा बना है। और गाइस फिर से एक बार थैंक यू यार 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बहुत खुशी हो रही है। हमारी फैमिली बढ़ते जा रही है ना। और आप लोग ये फैमिली को बढ़ाओगे शेयर करके लाइक करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सजेशन में जाता है। हाँ लाइक करो बेटे। हाँ तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो और शेयर भी करो। अलग अलग तरीके की रेसिपी मिल रही है हमें हाथ से शाही टुकड़ा मचा दिया शाही टुकड़े ने तो धमाल बस हो गया। रोजे के बाद ना इतना पकाए बाद ना मेरा दिल भर जाता खड़े रह के पका पका के ना वैसे दिल भर जाता खाओ खाओ करता है कहाँ खाने दिल होता है जब पका के हटेंगे तो मस्त लग रहा है सीरियसली। ये समोसे ना मेरी जीनी को बहुत पसंद है। सबको पसंद है वैसे तो हम खाते हैं। हाँ लेकिन कभी मैं नहीं बनाती ना मैं घंटाल जाती तो बोलेंगी अम्मी तुम बाहर जा रहे तो मेरे लिए समोसा लेके आना उसको एक ही समोसे लेके आओ ना एक नंबर। और अम्मी ने तो विदाउट समोसा पट्टी किया यानी कि खुद अपने हाथ से समोसा की पट्टी रेडी की और बनाया बहुत अच्छे से। देखो हमारे जो अम्मी अब्बा का टाइम था हमारे नाना नानी का जो टाइम था वहाँ ये इनके जमाना छोड़ो हमारे जमाने में ना ये अट्टी पट्टी कहीं नहीं मिलती थी और हमारी सास जो थी हमारी नानी सास जो थी काई की पट्टी समोसे बना के दे अट्टी पट्टी नहीं जानती मैं समोसे बनाने नहीं आते ऐसा रहता था पहले का। तो पहले के लोग हैं ना जो वो अट्टी पट्टी के भरोसे नहीं बैठते थे ऐसा आटा गूंथते थे पर अपना काम करना चालू करते थे। बाकी सीरियसली गाइस बहुत अच्छा बना मैंने ये आलू की जगह अगर वो कीमा होता था ना बोल रहा था मैं कभी कीमे के बना मैंने नहीं फरमाइश आलू के समोसे की आ रही है जरा इसके लिए तो भाई कीमे की समोसे की भी फरमाइश दो। कीमे का क्या है इसमें आलू को हटा के आपको कीमा भुनना है तो भाई आलू के लिए कीमा टाइप कर देते कितना कमी ना। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो गाइस सब्सक्राइब करो और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि बहुत से लोगों ने दबाएंगे तो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अभी दोपहर में शाही टुकड़ा डाली हूँ शाही टुकड़े के चार पांच रेसिपी आ गई। हाँ बन गई है तो बहुत से लोगों ने फोटो भी भेज दिया बना शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं बोल रहा था कि बेल आइकन दबाओ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।